लायंस क्लब खरगोन निमाड़ के द्वारा शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय के नवीन परिसर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। जिला पंचायत के सीईओ दिव्यांक सिंह एवं सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक ओम नारायण बड़कुल के निर्देश में स्कूल के लगभग 50 बच्चों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति और लायंस क्लब खरगोन निमाड़ के पर्यावरण हितेशी पदाधिकारियों की सक्रियता ने कार्यक्रम को वृक्षारोपण के उत्सव का स्वरूप दिया। क्लब के द्वारा लगभग 140 पौधों का रोपण किया, जिसमें फलदार एवं छायादार दोनों किस्म के पौधे रोपे गए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये क्या कार्यक्रम है? आज हमारे लायंस क्लब खरगोन निमाड़ की यूनिट ने शासकीय मुख बधिर विद्यालय के नवीन प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हमने करीब 101 पौधों का रोपण किया है, जिसमें फलदार और छायादार दोनों तरह के पौधे हैं, इनका रोपण हमारे द्वारा आज किया गया है। इस कार्यक्रम में विद्यालय के करीब 45 बच्चे भी हमारे साथ उपस्थित थे और विद्यालय का जो स्टाफ है, जिसमें प्रधानाचार्य और दूसरे शिक्षकगण, वो भी हमारे साथ में उपस्थित थे। हमारे क्लब के सभी सदस्य और सारे पदाधिकारीगण भी आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित थे। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा रोपे गए इन पौधों से बच्चों को आने वाले भविष्य में अच्छे फल भी खाने को मिलेंगे, छाया भी मिलेगी और शुद्ध प्राण वायु का भी वो उपभोग कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।